हमने पिछली क्लास में शुरू किया था रे ऑप्टिक्स। अरे वो एक फुट वाला जो स्केल है, हाँ भाई के उसमें है, जरा मैं दे दूं। तो बेटा ऑप्टिक्स में पिछली क्लास में जो हमने ऑप्टिक्स की बात की थी उसमें रिफ्लेक्शन तो सिलेबस में नहीं है। मैंने आपसे बात की थी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या ऑप्टिक्स में दो तरह की ऑप्टिक्स होती है, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बेटा अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रे ऑप्टिक्स शुरू की थी। और रे ऑप्टिक्स में पहले तीन फिनोमिन चार फिनोमिनन थी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग और डिस्पर्जन। अब बेटा जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जब रिफ्लेक्शन नहीं है तो रिफ्लेक्शन को हटा दिया, अब शुरू किया रिफ्रैक्शन। पिछली क्लास में हमने एक बात रखी थी बेटा, वो क्या थी कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने कहा था द चेंज इन पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड दिस इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मैं वो कह रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट की चेंज होने की वजह से उसका पाथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब वो पाथ चेंज होगा क्यों, आइदर स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं यहां पर मीडियम डिसाइड करते हैं, यदि मीडियम रेयरर है दैट मींस उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, उसकी डेंसिटी बड़ी कम है तो उसमें स्पीड ज्यादा होगी। और यदि बेटा डेंस मीडियम है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। इसलिए जब रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी यदि वो डेंसर से रेयरर में जाएगा। जैसे मैंने कहा एयर और वाटर में एयर रेयरर है वाटर डेंसर है, वाटर और ग्लास में वाटर रेयरर है ग्लास डेंसर है। तो एक ये फिनोमिना ना हमने बात की थी और पूरे रीजन के साथ में कि क्यों बैंड होता है टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक तो ये बेटा, दूसरी बात हमने रखी थी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बेटा दो लॉ थे, पहला इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ये था कि जो स्नेल्स ने एक लॉ दिया था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आ। फिर हमने बात की थी पिछली क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द वैल्यू बाई विच अ मीडियम रजिस्ट और अपोज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, उसे बेटा हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके फैक्टर भी बताए थे, कोची ने कहा था म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, म्यू साइन आई बाई साइन आर था। और मैंने आपसे बात की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो स्पीड का रेशियो होता है या फिर यदि दो मीडियम अवेलेबल है, जैसे सपोज रे वाटर से ग्लास में एंटर करती है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है 4/3, ग्लास का होता है 3/2। अब उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है आपको, तो जहां रे पहुंचेगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे, जहां से चलेगी उससे डिवाइड करेंगे। दैट मींस यदि वाटर से ग्लास में एंट्री मारती है तो हम क्या करेंगे बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो यहां तक मैंने बात की थी एक। अब यहां पर ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे गरिमा। यस सर। आपको पीडीएफ मिली थी बेटा कल वाली? सर आप ग्रुप में थे ना? गूगल क्लासरूम? नो सर, वो ग्रुप में अभी एडेड नहीं हूं। तो फिर पीडीएफ कैसे मिली सर? नहीं मिल पाई। नहीं मिली ना बेटा, मैं अभी आपको ऐड कर दूंगा और मैं अभी भेज रहा हूँ। और उसमें बेटा जी
जो आज मैंने पढ़ाना था मैं वो आपके साथ में बात करता हूँ, और वो है बेटा, मैंने पिछली क्लास में भी शायद एक टॉपिक कराया था, और वो टॉपिक क्या था बेटा, लेटरल शिफ्ट कराया था ना गरिमा शायद? यस सर। तो लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है कि एक रे जब इंसिडेंट होती है तो वो कितनी डिस्टेंस, क्योंकि इमर्जेंट रे बेटा पैरेलल होती है, और पैरेलल होगी तो उस सिचुएशन में कुछ बोल रहा है क्या बेटा? अरे कुछ बोल रहा है बेटा? गरिमा मैंने भेज दिया बेटा आपको, आप देख लेना वो पीडीएफ, नोट डाउन कर लेना बेटा। तो मैं एडिड हूँ लेकिन अभी पीडीएफ नहीं मिली। जी बेटा। सर पीडीएफ नहीं मिली। समझ नहीं आई बात क्या कह रहे थे? सर मिल गई। मिल गई। तो बेटा अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो मैंने फिर पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब है कि जो रे जिस पाथ पर चल रही थी उससे कितनी डिस्प्लेस हुई, और हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था बेटा, और वो लेटरल शिफ्ट का क्या सिचुएशन थी कि ये एक ग्लास या कोई ग्लास स्लैब थी या मीडियम था, ये इसकी थिकनेस क्या थी बेटा टी, हमने जो एक रे ऐसे इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट रे थी, यहां बेटा ये क्या है नॉर्मल, तो ये एक एक्सपेक्टेड रे है कि ये यहां तक पहुंचेगी। अब बेटा रे बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, मैंने यहां नॉर्मल बनाया और ये ऐसे चली गई, तो ये रे यहां से जानी चाहिए थी, यहां से गई, तो इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या कहता हूं लेटरल शिफ्ट। ये बेटा एंगल आई था, ये थिकनेस है, ये एंगल आर है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और ये बेटा ए बी सी, और ये क्या लिया था मैंने एम। तो उसी से एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने करके भेजा था, आप उस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन बेटा ये था, अरे ए बी इंसिडेंट टू द इंटीरियर टॉपिक हुआ था है बेटा। सर ये पिछली क्लास में नहीं हुआ था, पिछली क्लास में तो आपने वो करवाया था रिवर्सिबिलिटी। अच्छा ये नहीं हुआ? नो सर। चलो तो लो बेटा, मैं तो सोचा हो गया था सर ये है बेटा। सर करवाया था आपने लेटरल शिफ्ट? सर हो गया था इसका लेटरल शिफ्ट, हो गया सर। करवाया था आपने? करा दिया था सर ये, इस करा दिया था। फिर छोड़ो बस, इसका न्यूमेरिकल रह रहे थे। हाँ हाँ मैं बात कर रहा, ए रे ऑफ लाइट है बी इंसिडेंट टू द इंटरफेस एट 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 30 डिग्री, फाइंड द लेटरल शिफ्ट when thickness of the slab or medium is 12 centimeter. एक रे बेटा, रे इंसिडेंट की मैंने रे इंसिडेंट की 60 डिग्री पर, वो रिफ्रैक्ट होगी बेटा 30 डिग्री पर, तो लेटरल शिफ्ट बताओ यदि थिकनेस ऑफ द मीडियम क्या है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर यदि मैं देखता हूं आई हो गया बेटा 60 डिग्री,
आर हो गया बेटा 30 डिग्री, थिकनेस बेटा 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रिलेशन, लेटरल शिप क्या था बेटा? लेटरल शिप था बेटा d इक्वल्स टू t साइन ऑफ i माइनस r अपॉन cos r। एक क्लास में केवल एक ये डेरिवेशन कराई थी या एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कराई थी, आयुष मिश्रा और एक लड़की और आई होगी अभी, क्या नाम था उस बच्ची का? तो दोनों बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगा, रियोप्टिक्स है, अभी तो 10th लेवल की बातें चल रही हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है, सेकंड क्लास है बेटा। तो ये फॉर्मूला था जो मैंने पिछली बार ट्रायल कराया था, d equals to t बेटा 12 sine of 60 minus 30 upon cos of 30, d equals to 12 sine of 30 upon cos of 30, d equals to 12 tan of 30, तो d equals to बेटा 12 into root 3 by 1 by root 3। रेशनलाइज कर दो बेटा 12√3/3, d इक्वल्स टू 4√3 सेंटीमीटर, d इक्वल्स टू 4 × 1.732, d 4 × 8 = 12 28 29 426 426 दिस सेंटीमीटर। जो बेटा पाथ था वो अप्रोक्सीमेट 7 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। यदि कहीं रिफ्रैक्शन हुआ है तो रिफ्रैक्शन में बेटा रे का पाथ चेंज होता है, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था बट ड्यू टू द चेंजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग द स्पीड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बेटा जब यहां से इमर्ज हुआ तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अप्रोक्सीमेट कितना हुआ बेटा 7 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। इस पर एक ही क्वेश्चन बनता है बस, या तो दो नंबर में खुद एक डेरिवेशन आती है या इस तरह का कोई छोटा सा क्वेश्चन होता है। अब यहां पर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मैंने केवल रिफ्रैक्शन शुरू किया था, केवल उसमें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, उसमें दो लो थे, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी थी और बेटा एक ये। जिन बच्चों को नहीं कहा मैं वो दोनों बेटा पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और अब मेन कंसेप्ट चलता है यहां से, इट इज द अपेरेंट डेप्थ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है आप यहां से समझेंगे अपेरेंट डेप्थ। व्हाट डू यू मीन अपेरेंट डेप्थ? आप प्रैक्टिकली सोचे, आपने एक बाल्टी पानी से भर ली, यदि उस बाल्टी को नॉर्मली ऊपर से देखोगे तो उसकी जो बॉटम है एक्चुअल में जितने डेप्थ थी उससे ऊपर नजर आएगी। आप उसके अंदर एक कोई कॉइन डाल दो, कोई ऑब्जेक्ट को डाल दो, तो ऑब्जेक्ट जितनी डेप्थ पर था उससे वो और ऊपर नजर आएगा। जो लोग कभी स्विमिंग के लिए गए स्विमिंग पूल में, पूल यदि 6 फीट गहरा है तो आपको वो 3 फीट गहरा नजर आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैं वाटर में ऑब्जर्व करता हूं, लेकिन यहां भी कंडीशन है, मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि होल ऑप्टिक्स इज कंडीशनल, यदि आप ऐसी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो बेटा वो फिनोमिनन आप देख पाएंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे तो लेटरल शिफ्ट नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब उसने रिफ्रैक्शन की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है। मैं अपेरेंट डेप्थ की बात कर रहा हूं, अपेरेंट डेप्थ में मेन कंडीशन होती है The observation must be normally. It is the normal view condition. Whenever you observe the object in a denser medium or in another medium, then object appears closer than actual depth. And this is known as apparent depth. और ये जो concept है बेटा apparent depth का, आप इसे मान के चलिए, आपको लगेगा कि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं।
जो एक इल्यूजन हमारे दिमाग में बनता है कि ये बस इतना सा गहरा है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी इसी की वजह से बनेगा। तो बेटा पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, और मेरा टॉपिक है क्या, अपेरेंट डेप्थ। ये हर जगह होता है। आप ऑफिस में जाओ, ऑफिस में कभी गए हो तो जो बॉस बैठा हुआ है उसकी जो टेबल होती है उस पर एक मोटी थिक सी थिक ग्लास की शीट लगी रहती है। उसके अंदर जो कार्ड रखे हैं, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ रखा हुआ, वो जहां पर है उससे ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। तो बेटा क्या है टॉपिक मेरा, अपेरेंट डेप्थ। क्या है बेटा अपेरेंट डेप्थ, अ फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट इन मीडियम अपीयर्स क्लोजर देन एक्चुअल डेप्थ व्हेन इट इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम रेयरर मीडियम। Is known as apparent depth. This is due to refraction of light. ये बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये फिनोमिनन हमें ऑब्जर्व होती है। जैसे लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट को इन डेंसर मीडियम when it is viewed it appears at point O dash। ये O dash पर नजर आएगा। कैसे बेटा, इधर बनाता हूं, ये मेरे पास कोई बेटा मीडियम था, और ये बेटा रेयरर मीडियम था, रेयरर, और ये था मेरे पास डेंसर। यहां पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, ये ओ, और जब बेटा मैंने इसे ऑब्जर्व किया ये बेटा ओ, और यहां से यहां तक की जो डेप्थ है बेटा वो इसे ए पॉइंट मान लिया। अब यहां से जब रे चलेगी, एक रे आई बेटा ऐसे, एक रे बेटा इधर से, यहां से रे आई डेंसर टू रेयर। ये कोई मीडियम था बेटा, अब मैंने कहा था जब भी एंगल लेंगे तो एंगल बेटा कहां से कंसीडर किए जाते हैं, नॉर्मल से। मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया,
नॉर्मल बेटा ये। और गरिमा दी जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो रे किधर बेंड होती है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे यहां से बेटा ऐसे बेंड हो गई, और ये बेटा एक डॉटेड लाइन है, और ऐसे ही बेटा इधर जो ऑब्जेक्ट ओ पर था वो मुझे ओ डैश पर नजर आया ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ रे। जो रे ऐसे आई थी वो यू बेंड होगी एंड इट इज द नॉर्मल व्यू कंडीशन। ऑब्जर्व कर रहा हूं, दिस इज द आई, यहां से ऑब्जर्व कर रहा था। ये पॉइंट बेटा बी है, ये बेटा सी है, ये इंसिडेंट एंगल है। नॉर्मल से लेते हैं क्या होगा बेटा आई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा आई, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा बेटा आर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी एंगल क्या होगा आर। यहां से यहां तक ये बेटा रियल डेप्थ है डी, यहां से यहां तक ये बेटा अपेरेंट डेप्थ है डी डैश। तो ये रीजन होता है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में रखा हुआ था, जब उसे मैं दूसरे मीडियम से ऑब्जर्व करता हूं तो वो जितनी डेप्थ पर होता है उससे वो और क्लोज नजर आता है। ये था बेटा यहां पर नजर आ रहा है यहां पर, क्योंकि रे ऐसे ये यू बेंड होगी, मैं देखूंगा इन रेज को तो ये ओ डैश पर नजर आएगा। अब इस सिचुएशन में यहां पर लिखो बेटा क्या क्या है, एक तो ओ ए बी, इसे कहते हैं बेटा रियल डेप्थ, ओ डैश ए बी डैश, इसे कहते हैं बेटा अपेरेंट डेप्थ, एंगल ए ओ बी I incident angle, यहां पर बेटा A O dash B क्या होगा refracted angle, अब मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि ray जहां पहुंचेगी वो बेटा ऊपर रखते हैं और जो बेटा जहां से आएगी वो नीचे रखेंगे। तो यदि मैं यहां से स्नेल्स लॉ लगाता हूं बाय स्नेल्स लॉ, इसमें तो क्या होगा बेटा म्यू एम म्यू ए मीडियम से एयर में जा रहा है बेटा, क्या होगा बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, ये मेरा स्नेल्स लॉ था। बट एम यू ए किसके बराबर होगा वन अपॉन ए म्यू एम। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यदि आपको एयर टू ग्लास दिया हुआ है 3/2 और आप ग्लास टू एयर निकालेंगे म्यू को तो 1/a μg होगा, तो ये बेटा इसके रेसिप्रोकल होगा, या इसे मान लिया मैंने 1/μ, तो जो ma है वो 1/μ है। अंजलि यस सर, कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर समझ आ गई। तो
तो बेटा इसे रख दो फर्स्ट में, देन इक्वेशन वन बिकम्स क्या होगा बेटा, वन अपॉन म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो बेटा म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, साइन आर अपॉन साइन आई। अब बेटा साइन आई निकालो, साइन आई के लिए लो ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा बेटा, साइन आई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ओ बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डैश ए बी साइन आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ डैश बी। क्या करें बेटा, पुटिंग थ्री एंड फोर इन टू। जब मैं बेटा यहां रखूंगा तो म्यू इक्वल्स टू साइन आर दैट इज द ए बी अपॉन ओ डैश बी अपॉन ए बी अपॉन ओ बी। यहां तक दो मिनट बेटा जरा देखो इसे, कोई भी डाउट है क्योंकि मुझे मिटाना है, एक बार नजर डाल लो। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? अंजलि, प्रेमिस, गरिमा? नो सर। तो देखो बेटा, तो बेटा जी क्या हुआ है यहां पर, ये तो आई था, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा ए बी से ए बी कैंसिल, ये ऊपर चला गया ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डैश बी, और ये इक्वेशन होगी बेटा फिफ्थ। बट इट इज नॉर्मल व्यू कंडीशन, मीन्स यदि आप साइड वाइज देखेंगे, एक साइड से देखेंगे तो आपको ये थोड़ा नीचे नजर आएगी, ये केवल जब भी आपको देखना है ये नॉर्मली देखना है, नॉर्मल व्यू बिल्कुल सामने से देखना है। अब बेटा आप यहां देख रहे थे नॉर्मल के लिए, तो आपको कहां आना पड़ेगा, ए पर। तो नॉर्मल व्यू कंडीशन में बी लाइज एट ए, जो बी पॉइंट है वो कहां लाई करेगा बेटा, ए पर, देन ओ बी इक्विवेलेंट टू ओ ए, जो ओ बी था वो ओ ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा, एंड ओ डैश बी इक्विवेलेंट टू ओ डैश ए, एंड पुटिंग इन फिफ्थ, दैट मींस म्यू इक्वल्स टू OB की जगह OA अपॉन O डैश A, और ये था बेटा D, D अपॉन D डैश,
या म्यू इक्वल्स टू बेटा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मेरे पास एक और प्रोसीजर आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, जब भी बेटा हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने, 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होता है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं बेटा, एक कनकेव मिरर लेते हैं, कनकेव मिरर के सामने एक नीडल ला के रखेंगे, उसकी हाइट देखेंगे, वो होगी रियल डेप्थ, क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द मिरर कैलकुलेट कर रहा था। फिर हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, वो एक मीडियम हो गया। अब जब हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो कितनी हाइट आई, वो होगी उसकी अपेरेंट। और बेटा जो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ का जो रेशियो होता है वो हमेशा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि यहां देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स आप यहां से देख रहे हैं, एक ने कहा नहीं सर मैं तो यहां से देखूंगा, भाई तू कहीं से भी देखे जाके, यदि आप नॉर्मली हैं तो जो अपेरेंट डेप्थ है इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इट मस्ट बी नॉर्मली। आप बिल्कुल उस मीडियम से नजरें बिल्कुल मिला के सटा के देखो या थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक बंदा किसी कॉइन को पानी में रखा हुआ था, कॉइन उसे 2 मीटर ऊपर से देख रहा था, जब उसे 1 मीटर नीचे से देखेगा तो उसकी रियल डेप्थ और क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स पोजिशन नॉर्मल होनी चाहिए, पर जो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बच्चा सोचता है ये रियल डेप्थ है, मैं अपेरेंट निकाल दूं। नहीं बेटा, मीडियम के अंदर ये है रियल डेप्थ, ये है अपेरेंट डेप्थ, ये कहां से देख रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, उस बात से मुझे नहीं फर्क पड़ता।